फौज ने हमारे साथ आज जो रमजान का महीना है इसमें आज हमारी इफ्तारी कराई है, तो पूरी फौज का हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे करके यहाँ हमारा आज जो दिन मनाया गया है, तो इसलिए इनका हम शुक्रगुजार हैं कि हमारा रोज़ा इफ्तारी कराया है फौज ने। इनका हम बहुत दुआ करना चाहते हैं, हम ये दुआ करना चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद रहे और फूले फले और अच्छा रहे, बस जो एक रहे सब। फौज ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, इफ्तारी का हमारे लिए प्रोग्राम किया, रोजा का रोजा खोलने का प्रोग्राम किया कि अच्छा रोजा निकल जाए, और फौज ने बहुत अच्छा ही किया हमारे साथ, और फौज को हमेशा ऊपर वाला कामयाब रखे, और इस देश के लिए दुआ किया फौज ने के सब कामयाब रहें, और जो ये कोरोना वायरस चल रहा है इससे भी हिफाजत रहे हम, और सेहत कामयाब रहे सबका, हिंदुस्तान सब ठीक रहे, हिंदुस्तान का अच्छा ही रहना चाहिए। قيل علي ولي كريم عليك مبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله انظر احنا اشقالنا اللهم مغفر لي ولوالدي والمرات والمسلمين والمسلمات الله يا أهم منهم والعافى الراحمين اللهم اغسلنا إلى مقاصدنا اللهم ربنا وشكرا لحسن عبادتك في خمسة نقطة بها هر وضايا حاتمة المصطفى والمرتضى ربناه وقلبا منبرا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وعددا صابرا وصايا مشكورا وزم جنة الفردوس ونعيما مقيما وصلى الله وأصحابه وأهل بيته وشهداء ملته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بهك لا إله إلا الله सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पुंछ ब्रिगेड की गड़ी बटालियन का कि जिन्होंने ये आज इफ्तारी का बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही उम्दे तरीके से इफ्तारी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तारी में हमने और गड़ी बटालियन के कुछ नौजवानों ने साथ मिलकर सिविलों ने और लोगों ने हमने साथ मिलकर इफ्तारी की, और उसके बाद नमाज अदा की, नमाज के बाद जो इफ्तारी के वक्त दुआ की गई उसमें बिलखसूस हमने जो हिंदुस्तान में हमारे ये कोरोना वायरस वबा जो बीमारी की शक्ल में फैल चुकी है इसके लिए कि इस माह रमज़ान के सदक़े से मौला मालिक परवरदिगार आलम के इस बीमारी का हिंदुस्तान से खात्मा अता फरमा और तमाम आलम इंसानियत को इस बीमारी से महफूज फरमा, क्योंकि ये माह रमज़ानुल मुबारक का ये वो मुकद्दस महीना है कि इस वक्त जो इफ्तारी के टाइम होता है, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि जो इफ्तारी के वक्त दुआ की जाती है वो बिल्कुल अर्श आज़म पर कबूल की जाती है, इसलिए इस इफ्तारी के टाइम में हमने ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की कि मालिक परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान के सदक़े से, इस इफ्तारी के सदक़े से इस बीमारी से हम सबको निजात अता फरमाए, और सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये आर्मी के नौजवानों ने इस इफ्तारी का एहतमाम किया गया उनका शुक्रगुजार भी हैं, और उनके लिए हम दुआ भी करते रहें कि हमेशा हमारी सरहदों पर ऐसे ही हमारी हिफाजतें करते रहें और सदा खुश और आबाद रहें, और उन नौजवानों के लिए जिन्होंने आज इफ्तारी का एहतमाम किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे तरीके से अपालन करते हुए इस इफ्तारी का एहतमाम किया गया।